अनअकैडमी। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल कुमार। ओके, गोपाल कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से, तो काफी दूर पड़ा है सेंटर? हाँ, काफी दूर पड़ा है। ओके, सो तैयारी कहाँ, बिहार से ही कर रहे थे कि यहाँ दिल्ली या नोएडा से कहीं? दिल्ली में रह के करते हैं। अच्छा, मुखर्जी नगर में। ओके, मुखर्जी नगर में रह के करते हो। तो अभी कैसा रहा, मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है या पहले भी दे चुके हो एमटीएस का? एमटीएस का फर्स्ट टाइम एग्जाम रहा। ओके, सो कैसा रहा पेपर, अप टू द एक्सपेक्टेशन था या थोड़ा डिफिकल्ट था उससे? थोड़ा डिफिकल्ट था। ओके, सो क्या लगा, कहाँ डिफिकल्ट था? सेट वन डिफिकल्ट ज़्यादा लगा या सेट टू में डिफिकल्टी ज़्यादा लगी? सेट वन का डिफिकल्ट लगा थोड़ा। ओके, सेट वन में, मैथ रीजनिंग में। तो पेपर का थोड़ा सा आइडिया दोगे कि कैसा पेपर रहा, क्या क्या चीज़ें थी जो उम्मीद कर रहे थे आनी चाहिए थी बट नहीं आई या उससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे आई? नहीं, जिससे मैं उम्मीद कर रहा था उसी लेवल पे आया, लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ अलग से पूछा गया था जो तैयारी से बाहर है। जैसे कि? जैसे कि मैथ में ही ले लीजिए, चाहे जीके जीएस में ले, इंग्लिश में भी सब डिफिकल्ट है थोड़ा। ओके, सो अभी ये एमटीएस का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, सो आप कह रहे हो कि डिफिकल्ट था, आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें थी। कुछ एग्जांपल, कुछ टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ ये सिलेबस में नहीं थे बट आ गए? मैथ में एक दो है। ओके, मैथ का एक क्वेश्चन था, क्या था वो? वो ट्रिकोणमिति से पूछा हुआ था। ओके, वो ट्रिग्नोमेट्री से था, एडवांस सेक्शन से, ये कह सकते हैं। ओके, बाकी इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश और सही है, इंग्लिश ग्रामर से ही पूछा गया है। इंग्लिश ग्रामर से ही पूछा गया था। जीएस कैसा था, जीएस करंट और स्टैटिक की बात करें तो कितना प्रोपोर्शन रहा दोनों का? वो दोनों का सेम ही है, 50-50 रहा। 50-50 रहा। एक है ये भी कि मैं फर्स्ट बार एग्जाम दिया तो थोड़ा सा आइडिया लगा पाना, उतना इजी नहीं था, कि इजी नहीं था उतना। अब सेकंड टाइम में बताना, इस बार अगर जो हो जाएगा तो अच्छा है, तो सेकंड टाइम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, नर्वस भी रहे होगे एग्जाम में, वो तो फर्स्ट सेट उतना अच्छा नहीं कर पाए होगे। और ये है कि दोनों का 45-45 टाइमिंग कर दिया है। पहले क्या था कि सिलेबस चारों का एक ही बार खोलता था, अब मैथ का भी उतना ही समय है और जीके इंग्लिश का भी उतना ही समय है, तो मैथ में समय कम पड़ जाता है और जीके इंग्लिश में समय बच जाता है। ओके, तो ये चीज़ है जिसपे आपको मतलब आइडिया नहीं थी? इसमें आइडिया नहीं थी। Okay. क्योंकि इस बार न्यू सिलेबस, इस बार ऐसा आइडिया मतलब न्यू किया है। ये नया पैटर्न था, तो आइडिया नहीं था कि ये चीज ऐसी रहेगी जैसे बैंकिंग में हुआ करती थी। हाँ, बैंकिंग में हुआ करती थी, ऐसी नहीं रहा। तो इसमें तो बैंकिंग वालों को फायदा मिलेगा फिर, तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे। अब जो तो पढ़ेगा तो उसको तो फायदा मिलेगा ही ना सर। तो क्या लग रहा है वैसे एग्जाम जिस हिसाब से रहा, कितना कट ऑफ जाएगा क्या लग रहा है आपको? कट ऑफ मेरा देखिए, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है तो वो लगभग 270 नंबर का है। टोटल 90 क्वेश्चन है, 45 मिनट का है, तो 150 प्लस जाएगा। 150 प्लस जाएगा। आप कितना उम्मीद करो कि आपके कितने आ जाएंगे? मैं 150-200 के लगभग आ सकता है। 150, हाँ 150 तक आ जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना इसके कारण। बाकी एमटीएस के अलावा भी कुछ और सोचा है? एमटीएस का यहाँ तो मैं फर्स्ट प्रिपेयर के लिए आया हूँ, यूपीएससी के लिए। ओके, यूपीएससी की। हाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हाँ, तो बिहार यूपी वाले तो यूपीएससी ज़्यादा ही उनका रहता है। तो मैं यहाँ घर के दबाव से फॉर्म भी डाले थे तो एग्जाम दे चुका हूँ। अच्छा, ये था कि कर रहे हैं तैयारी तो चलो ये भी डाल दें। और मैं पिछले साल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अच्छा, तो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी एक ही साल हुआ होगा लगभग? एक ही साल हुआ है, 6 मंथ हुआ है। इस बार वाला यूपीएससी दिया था? अभी नहीं दिया। ओके, नहीं दिया था, अगला बार होगा ना। चलो, इस बार तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, देखते एग्जाम कैसे। क्या नाम है आपका? अमन। ओके, सो अमन अभी कहाँ से आए हो? हम आए हिसार से। हिसार से? हरियाणा से। हरियाणा से, ओके। सो अभी ये फर्स्ट टाइम रहेगा एमटीएस के एग्जाम का? ये मेरा फर्स्ट टाइम है यार एग्जाम। ओके, सो कैसी है तैयारी अमन? तैयारी अच्छी है, क्योंकि बाकी मैं जेई मेंस के लिए कर रहा हूँ तैयारी, तो मेरी जो जेई का जो पेपर है जूनियर इंजीनियरिंग का, जो सीईटी मेरा पहला क्वालिफाई हुआ, अब दूसरा अब जो सेकंड टाइम मेंस का होना ना उसकी तैयारी कर रहा था, तो साथ साथ ये भी कर रहा था, तो इससे थोड़ा सा बेस मिल जाएगा अगर यहाँ से भी कुछ होता है तो। ओके, यहाँ से अगर एमटीएस से कुछ हुआ देन फाइन, वरना जेई वाले एग्जाम के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड शिफ्ट होनी है सीईटी की। अच्छा, सीईटी की सेकंड शिफ्ट होनी है, वो कहाँ रहेगी आपकी, वो कब है? अभी वो देखते हैं करनाल में है या चंडीगढ़ में, मतलब वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि कितने बच्चे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा जहाँ पे। ओके, सो नर्वस हो एग्ज़ाम को लेके? नहीं नहीं, नर्वस क्यों, हरियाणा से यार। ये तो बढ़िया है फिर। तो अभी ये मतलब तैयारी कैसे कर रहे थे, सेल्फ स्टडी थी पूरी या किसी की गाइडेंस में किया था? नहीं, सेल्फ स्टडी है, और यूट्यूब से भी काफ़ी मटेरियल मिल जाता है यार। ओके, सो ये जेई और सीयूटी के अलावा कुछ और भी सोचा हुआ है? नहीं, और तो कुछ नहीं, पहले मॉडलिंग की है बस, और तो कुछ नहीं है। चलो, अच्छा, बढ़िया, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।